कहाँ से आ गया। अबे ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। अस्सलामु अलैकुम। तो यार मेरे पीछे वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट की अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो आपके अंकल सैम वॉल्टन जो कि 44 इयर्स की एज में 1962 में इन्होंने अपना ये पहला वॉलमार्ट ओपन स्टोर ओपन किया था, तो जो इनका मोटो था कि भाई अच्छी सर्विस देनी है मगर कम पैसों में। तो उस वक्त के जो इनके कंपटीटर्स थे, मज़े की बात है, वो कहते थे कि भाई चाचा जी पागल हैं, ये फ्लॉप हो जाएंगे और ये नहीं चलने वाला। मगर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्या हुआ कि जो सैम की अपनी एक्सपेक्टेशन थी आपके चाचा सैम की, वो भी उनसे बढ़ के लोगों ने इस आईडी को पसंद किया। और फिर बाकी क्या था, इन्वेस्टर्स आते गए आते गए और वॉलमार्ट खुलता गया खुलता गया। तो आज मैं इसी एक वॉलमार्ट उन्हीं वॉलमार्ट में से एक वॉलमार्ट के सामने खड़ा हूँ। तो आइडिया ये है कि भाई आपको बताया जाए कि वॉलमार्ट अमेरिका में जो आपकी जो कमोडिटीज़ हैं जो आप सामान लेते हैं आपके अपने कंट्रीज़ में और यूएसए में जो मिलता है उसमें क्या कंपैरिजन है प्राइस का। तो आइए देखिए, बाकी देख लें कि मैं अपने लिए नहीं आया इधर, आपके लिए आया हूँ। मेरी कोई मैंने कुछ बाय नहीं करना, बस आपको दिखाने के लिए आया हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब और क्या फॉलो ना कमेंट करना तो बनता है भाई। ये हम एंटर हो गए हैं। तो सबसे पहले एंटर होने के बाद सबसे पहले आपको ये राइट साइड पे रैक्स मिलेंगे, ले हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने कुछ बाय नहीं करना। तो हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फ़ौरन पहले आपको भाई ये जो एरिया है ये फल फूल सब्ज़ी का एरिया है, तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स केले देखें 60, इसका मतलब ये है कि 64 सेंट्स ईच एक केला जो है वही 64 सेंट का है। और सो दिस इज़ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल है जी $2.18, क्या बात है। और चाहिए भाई आम आ गए, आम आम खाने हैं। आम कितने का भाई? आम है जी $1.08 भाई, $1 का मतलब कि पाकिस्तान के 280 रुपए का एक आम है भाई। ये आ गया जी आपके ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने के जी 88 सेंट्स ईच। अबे अच्छा, $1 $100 का होता है वैसे, तो इसे अंदाज़ा लगा लें आप। और ये आपके अच्छा इधर खास आप देखेंगे कि काफ़ी ना इन्होंने ये स्ट्रॉबेरी साफ़ करके रखी हुई हैं। काफ़ी जो इस तरह की बेरीज होती हैं वो पैकेज में रख देते हैं और ताकि आप इजीली खा सकें, मगर प्राइस उतनी फिर आपकी वो डबल हो जाती है ना। तो ये जो एक पैक है ये वाला, ये $2.38 का है भाई। और ये क्या है भाई, ये अच्छा शतूत $2.67। तो मतलब अगर आप यूएसए की बात करें तो उसके लिए लिहाज से ठीक है, मगर अगर आप गिनना शुरू कर कन्वर्जन पड़ जाएंगे तो भाई फिर कुछ नहीं खाएंगे। तो ये आपके अंगूर आ गए हैं, अंगूर है जी $1.78 है। कैसे भाई ये मेकर पाउंड है क्या है, इसी तरह कुछ है। ये ग्रीन और अच्छा जी ये सब्ज़ी की तरफ, अच्छा ये है आपका सेब, सेब है लाल सेब है, उससे कम लाल सेब है, फिर ग्रीन सेब है, येलो सेब है, जो चाहिए वो खा लें भाई। और सब्ज़ी, सब्ज़ी में पता नहीं ये क्या था, इसको क्या कहते हैं, बस वो देख लें। ये आपको जो है ना इधर प्याज जो है येलो प्याज और लाल प्याज, येलो प्याज सस्ता होगा, वो लाल प्याज थोड़ा है पिंकी, काफ़ी ना महंगा होता है, मैं काफ़ी तो नहीं बस ठीक है। ये देख लें 98 सेंट्स का ये है और $1.44 का ये वाला है। तो ये सैलड बना के उन्होंने रखा हुआ है कि आप आएँ और जो
वर्कआउट करते हैं उनके लिए है कि ये $2.97 अराउंड का ना एक ये पैक मिलता है इसमें। $3 यार महंगा है यार। ये भी देख स्पेनिश $5 भाई महंगा है भाई। खुद बना लेना यार इस तरह ना स्पेनिश, खुद लेके खुद सेडर बना लो सस्ता पड़ जाएगा। ये पता नहीं क्या है भाई ये ये पिज़्ज़ा वगैरह है और मतलब कि आप बेक करके आप खुद खा बना सकते हैं उसी और रेडी टू बेक्ड पिज़्ज़ा। उसके अलावा भाई आज तो आजकल ये खरबूजे का सीज़न है तो ये खरबूजा भी आया हुआ है तो $2.88 ईच का मीठा होता है, मैंने एक चेक किया था मीठा है तो ठीक है भाई। ये उसके अलावा ये मैंने आपको दिखाए हैं, ये हैं स्मॉल टोमेटो, छोटे छोटे टमाटर नहीं है ये सैलड के लिए होते हैं छोटे टमाटर। उसके साथ हैं हमारे बड़े टमाटर 1.98 डॉलर्स। आगे चलते हैं और तो भाई ये है आपका ब्रेड, आपको यहाँ से ब्रेड मिलेगी। ब्रेड जो है वो आपको $3 से लेकर $4 की भी है, $3 की भी है, $2 की भी मिल जाती है, $1 की भी मिल जाती है, वो ब्रांड्स पे डिपेंड करता है। जिस तरह ये इधर ये देखें ना सबसे सस्ती वाली ख़त्म हुई पड़ी है, बस वो हम जैसे खा लेते हैं ना फिर वो महंगी वाली ये होती है इस तरह की, और ये $4 की होगी, $6 की होगी। ये ज़्यादातर ये ना मैं ये इस तरह के खाता हूँ तो ये ठीक है ना, इतनी सस्ती है ना इतनी महंगी है तो ये ऑन एवरेज ठीक ही रहता है। ये $3.64। उसके अलावा ये आपको बन मिल जाएंगे, ये बंस बने बनाए बंस $3.54 के, इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं अभी बंस तो ठीक रहता है। ये है कि आप अपनी चीज़ वगैरह डाल डूल के या कोई चॉकलेट डाल के ना आप खा लें। बाकी मुख्तलिफ किस्म के ब्रेड्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रेड है, वीट एंड हनी ब्रेड है, बस मुख्तलिफ किस्म के ब्रेड्स हैं जो आपको पसंद आए तो ले लें। तो बेसिकली $3 से लेकर या $1.5 से लेकर $5, $6 तक जाता है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ बर्गर बंस हैं, चपातीस हैं, तो ये आप देख लें, ये भी आप $5, $6 की हैं। तो इसमें जिस तरह ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें 8 हैं और ये $6 तकरीबन का है। बाकी ये आ जाती है बेक्ड चीज़ें, तो इसमें ये आपको उसका इल्म हो गई होगा, ये है भाई आपका क्रोसेंट्स, तो ये $5 का है, तो $5 में आपको ये 6 मिलते हैं, तो अराउंड अबाउट लाइक 70 सेंट्स का एक होगा, 80 सेंट्स का, तो ये आपको $5 के में मिल जाएगा। और ये सारी बेक चीज़ें हैं, ब्रेड भी बेक्ड हैं और देख गार्लिक ब्रेड है ये, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हाय हाय डोनट खाने हैं, डोनट है जी $6.97 का भाई। हाय 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 नहीं भाई नहीं खाना कुछ नहीं खाना, वर्कआउट करना है कुछ नहीं खाना भाई। ये क्या सामने ले आए हो मेरे, तो ये कुकीज़ हैं चॉकलेट चिप कुकीज़, ये कितने का भाई, नज़र नहीं आ रहा ये कितने का यार, नहीं पाई, सो 84 सेंट का पाई है ये, पाई जी पाई $1 का। केक पड़े हैं ये, अच्छा ये इधर पड़ा हुआ है यार, ये इधर है, ये $4 का है, तो तकरीबन $1
का ये एक है पीस, तो ये 4 पीसेस $4 के। अच्छा तो यार ये ना इस तरह काफ़ी खाने होते हैं जिसमें आपको ना मतलब उन्होंने पहले से ही लिखा होता है कि भाई क्या किस सेक्शन में क्या चीज़ पड़ी है। तो एक सेक्शन में हमारे पास जो है शुगर है, स्पाइसेस हैं और कैंडी, टी, चिकन, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, आइसक्रीम जो है ना वो आपको मिल जाएगी। ये ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, तो इजी है, अगर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसी वक्त के क्या क्या कौन सी चीज़ किस खाने में है। बाकी भाई ये है क्या हमारे पास मीट है या चक रोस्ट, भाई ये क्या है, ये है क्या चीज़ किसका है। भाई मुझे पोर्क ही लग रहा है, नहीं बीफ है भाई, ग्राउंड बीफ। भाई ये तो महंगा होता है, ये बहुत महंगा होता है, $20 का। भाई ये सिर्फ एक पीस है भाई, एक पीस है, सेटल पैक नहीं, तीन है, तीन पीसेस $20 के हैं। मगर हलाल नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, हलाल का टैग हो तो वो लीजिएगा, हलाल अगर नहीं है तो फिर बेहतर है कि इंडियन स्टोर से लेने, वहाँ पे हलाल मिल जाएगा आपको, इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर होते हैं तो उनके पास हलाल चिकन मिल जाएगा। तो ये आपके पास है चिकन $15, $18, भाई बहुत महंगा यहाँ पे। पोर्क खाना है, पोर्क खाना है। पोर्क खाओ। अच्छा तो यार चलते हैं हमारे गरीबों के सेक्शन पे, अंडे और मिल्क, दूध बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वहाँ पे चलते हैं। अच्छा तो भाई हम पहुँच गए हैं अंडों के खाने के, अंडे के सेक्शन के पास पहुँच गए हैं। भाई ये हमारे $3 के, ये आपको 12 लार्ज अंडे मिल जाएंगे, तो मुनासिब है यार, $5 का ये महंगा होगा, ब्राउन अंडे और वाइट अंडे। अरे क्या हो रहा है, अरे भाई थोड़ा रश आए यार, आवाज़ ख़राब कर दी इसने। अच्छा तो यार ये ना $3 के अराउंड अबाउट आपको ये 12 अंडे मिल जाएंगे, तो विच इज़ आई थिंक इज़ गुड। तो अंडे काफ़ी सस्ते हैं, तो हम गरीबों का खाना भाई देख लें। और इसके अलावा जो मिल्क है, मिल्क आगे शायद हो, उससे पहले ये जो है साइड पे, राइट साइड पे ये जूसेस हैं, लेमोनेड, ऑरेंज, मैंगो और ग्रेप्स, सब कुछ इधर मिल जाएंगे। तो कितने का है, अराउंड $3 का, तो $2.88 का मल्टीप्लाई कर लें अपने करेंसी के मुताबिक, तो उसका एक ये मिल जाएगा आपको जूस, तो आई थिंक अच्छा है, ठीक रह जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको दही, ये सारे दही के फ्लेवर्स हैं, मुख्तलिफ दही हैं, और दही के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ज़ीरो शुगर फ्लेवर, पता नहीं कितने दही बना डाले हैं यार। तो जो मैं लेता हूँ वो अपना सिंपल भाई ह॑ॉल मिल्क योगर्ट, $2.12, आई थिंक इट्स गुड, तो ठीक रह जाता है यार। भाई सस्ते की तरफ जाओ, सस्ते की तरफ, ऐसे ही महंगे की तरफ ना जाओ, अगर कुछ सेविंग करनी है तो ना। अभी चलते हैं हम दूध की तरफ, दूध किधर है भाई, दूध हमारा, दूध 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 और दूध आ गया जी, दूध आ गया, दूध आ गया, दूध आ गया, ये देखो यार, तो जो दूध है $5.26 का एक दूध, महंगा है भाई ये, महंगा है, मैं जो लेता हूँ ना वो ये इधर है, ये वाला,
सो ये है $3.78 का, तो ये मैं एक ले लेता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है। और बाकी अच्छा, तो यार मज़े की बात है यहाँ पे ना इस तरह के आपको काफ़ी मिलेंगे, जिसने बस साइकिल पे बैठ जाते हैं, बस वो है ना कि क्या कह सकते हैं यार, काफ़ी इधर जो हर किसी को आप खुद काम करना पड़ता है, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो खुद ही काम करते हैं तो उनके लिए चला नहीं जाता, तो ये फिर इस तरह की साइकिलिंग जो है वो फिर वो उनके लिए बनाई जाती है, तो फिर वो आ जाते हैं और फिर यहाँ पे शॉपिंग करके इसी तरह चले जाते हैं, तो जो कि अच्छी बात है। मगर ये तो फिर है इधर, अबे यार अबे अल्लाह खैर करे ये कहाँ से आ गया भाई, अबे ये कहाँ से आ गया, अबे ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। तो ये तो बेसिकली यार ये है, अच्छा ये मिल गया भाई, ये है आपका क्या कहते हैं इसको, एरियल जो आपके सर्फ जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो सर्फ किधर है, एरियल मल्टी, ये है आपका पैक, $13-14 का पैक है, तो 3.4 किलोग्राम। टाइड आ गया, टाइड लेना है तो टाइड लें, टाइड आपका है $22 का। महंगा है भाई, महंगा क्या, लेना तो पड़ेगा। तो इसी तरह ये है, ये ले लें यार, ये अच्छा है, ये मैं भी ये इस तरह का यूज़ करता हूँ, तो अराउंड $10। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, चीप की तरफ जाएं, चीप की तरफ, कोई ज़रूरत नहीं है महंगी की तरफ, चीज़ की तरफ जाना, हाँ अच्छे बच्चों की तरफ ना, सस्ती चीज़ों की तरफ जाएं जो ज़रूरत नहीं है महंगी लेने की। तो ये सेक्शन जो है ये आपका सर्फ सॉफ्टनर सब कुछ मिल जाएगा, और इसके अलावा कपड़े, इस तरह कपड़ों की भी है सेक्शन, और पैंट पॉन्ट अगर बच्चों की लेनी है, लड़कियों के किड्स की यहाँ पे है या। और ये है आपका बॉयस बच्चों की भाई आज लगी हुई है लो प्राइस भाई, $18 की एक, ये लो प्राइस है या फिटिंग बहुत महंगी है भाई, $5 की एक शर्ट, मतलब के पाकिस्तान के 1500 की एक शर्ट ऐसी है भाई, देख लो। तो ये है भाई बॉयज़ सेक्शन, तो ये आ गया जेंट्स सेक्शन, जिसमें आपको जीन्स हैं ये सारी, तो $13 की जीन्स, ठीक है यार ये तो महंगी तो हैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे। मैंने यार देखो, मैंने आपको कहा है कंपैरिजन करोगे ना तो फिर तो हम डूब गए भाई यहाँ पे, हमारा पर्स से कोई पैसा नहीं निकलने वाला, तो जब आएँ यहाँ पे तो थोड़ा ना कंपैरिजन करना छोड़ दें। तो उसके अलावा ये प्यारी है यार, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं है यार ये, $28 के तो मैं बिल्कुल ना लूँ इसको, बाहर से अच्छी है मगर अंदर से नहीं यार। तो कच्चा जीन्स का कच्चा $17, तो अच्छा, तो यार ये सीन है। बाकी फिर आप बाय करके सीधा सीधा आप जाएंगे काउंटर पे, इधर सेल्फ चेकआउट जो है वो आप करेंगे, उसके बाद फिर आप सामान पैक लोड करके गाड़ी में और वापस चले मिलते हैं। इसी तरह इजाज़त दें और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में क्या या वीडियो में। तो ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।